समाज जीवन में कोई भी अच्छी पहल का समर्थन करनी चाहिए। समय बदल रहा है, समाज की स्वभाव और चरित्र उस हिसाब से भी बदलती है। समाज में गपशप होनी चाहिए, मिलना जुलना होनी चाहिए, तब उसको एक जीवंत समाज माना जाता है। संवाद एकतरफा नहीं होनी चाहिए, संवाद दो तरफा होनी चाहिए, तब जाके संवाद में से ही कुछ अमूर्त निकलता है, कुछ लोक उपदेय, लोक लाभ की, लोक हित की बात भी निकलती है। शशांक मणि जी ने आज से 25 साल पहले जब वो युवा रहे होंगे, अभी भी युवा दिखते हैं, लेकिन जब सही मायने में कैंपस छोड़ के वो अपने प्रोफेशनल लाइफ में पहुंचे होंगे, उसी को कहा जाता है प्रतिभा। वो चुप नहीं बैठे थे। 25 साल पहले जो सरकारें आज भी सोचना संभव नहीं होता है, वो एक व्यक्ति करके ऐसा कल्पना किए कि मैं भारत भ्रमण कराऊंगा। एक ट्रेन बुक करना, 5-6 लोगों को चयन करना और उनको पूरा शायद एक महीना ही लगा होगा, 22 दिन। आज के दिनों में पति पत्नी को भी 2 टीवी लगती है, 4 फोन, 2 टीवी, बच्चे तो आपसे दूर रहते हैं। और आ जाते कि देखो हमको बहुत तनाव में मत रखो, हमारे मेंटल हेल्थ की इशू है। ये भी कोरोना में 2 साल हम सब रहे ना इकट्ठा, सभी के घर में सौरभ जी घर घर की कहानी है। उम्र किसी कोई भी हो, क्योंकि किसी की जिंदगी में इतने समय अपने स्वजनों के साथ बिताने का इन दिनों में मौका नहीं मिला था। पहले कभी गांव की जो जिंदगी था, 7:30 बजे अंधेरा हो जाता था, 8 बजे तक तो गांव सो ही जाता था, भोर 3 बजे से काम धाम शुरू हो जाता था, फिर शाम को 6-7 बजे तक दुनिया खत्म होती थी। तब शायद लोग जबरन 12 घंटा एक आंगन में रहते थे, लेकिन वो जैसे जैसे हम आधुनिक बने, बिजली आई, मास ट्रांसपोर्टेशन बढ़ी, शहरीकरण बढ़ा, पढ़ाई का आवश्यकता हुई और बच्चों को पढ़ाने के लिए बहाना करके बहुएं तो माता जी को छोड़ के शहर आ गए, तो घर अलग प्रकार के बनना शुरू हुआ। प्रकृति माता ने इस बार कहा चलो अभी इस बार थोड़ा ट्रेनिंग लो, 2 साल सबको लॉकडाउन में इकट्ठा रखा। तो उस समय में जब हमारी अनुभव हुई कि हम अपने परिवार को लंबे समय इकट्ठा रहना क्या क्या चुनौती है, उतने में शशांक जी ने 25 साल से इतने लोगों को इकट्ठा ट्रेन में घुमा रहे हैं, देश घुमा रहे हैं, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। मैं आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। मित्रों, मैं पढ़ने में समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी की मेरे को दायित्व दिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की, मटेरियल डिपार्टमेंट की, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की। इन दिनों में सौरभ जी थोड़ा पेट्रोलियम में नमी आई है, थोड़ा ठीक भी हो जाएगा। उस विभाग में काम करते करते मैं जो अनुभव कर रहा हूं, मैं आज की इस किताब विमोचन में उसको कहना चाहता हूं। भ्रमण से क्या होता है? दिखने से ज्ञान बढ़ता है, पढ़ने से भी बढ़ता है, लेकिन उसको दिखने से अनुभव भी बढ़ता है। मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ जिसे कहा, लेकिन मैं पेट्रोलियम सेक्टर को 8 साल काम करने के बाद मैं इकोनॉमिक्स इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट लिया था, समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया था। लेकिन मैं आज कह सकता हूँ
इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल्स की थोड़ा थोड़ा जानकारी मेरे को हो गया है, विश्व की अर्थनीति कैसे चलते हैं, विश्व की देनदारी कैसे होती हैं, देशों की बजट कैसे बनते हैं और सरकार खर्चा कैसे करती है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से ज़्यादा आ सकता है, कैसे उसको बचत किया जा सकता है, कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने से लाखों करोड़ रुपया की बचत हो सकती है, टेक्नोलॉजी को लगाने में अर्थनीतिक सुविधा कैसे हो सकती है, उसका मैंने अनुभव लिया, पढ़ के नहीं, देखने के कारण, नज़दीक से समझने के कारण।